वंस अगेन वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक मैंने क्या किया था। करंटली वन चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके सभी वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का भी मैंने लास्ट में एक्सरसाइज कराया, तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, देरी मत करिए। क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे यहां पर राइट हुआ है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर शुरू होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ रिलेट रहता है। जो ये चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट है, तो जब भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट है तो क्यों ना हम इसके पहले का चैप्टर देख लें, क्यों ना उसके पहले का लेक्चर हम समझ लें, तो कितना अच्छा रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझिए ध्यान से। इसके पहले का लेक्चर देखिए, चैप्टर 1 था उसके लेक्चर को देखिए आप, और देखने के बाद फिर आप इस चैप्टर पर विजिट करिए, इस चैप्टर में एंट्री करिए, 100% आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल होगी। इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय एक्सपीरियंस। और अगर नहीं देखे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा है वहां पे जाने का, तो कोई बात नहीं है, आप इसी को देखिए, लास्ट देखिए, मैं गारंटी रखता हूं, इट्स माय ओपिनियन, आपको पूरी पूरी बातें समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भाई कि इस चैप्टर में जो आज लेक्चर 1 है इसमें आज हम किस पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे हम, और यहां पे आज हम बात करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि आपने सुना होगा, आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ाया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पर यार मैं बताऊं रियलिटी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ही नहीं, ये खुद की बनाई हुई कहानी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। वो कैसे आता है, अगर कोई बुक पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया, यानी कि वैद्युत विभव अंतर जिसको कहते हैं, अगर वैद्युत विभव को पहले डिफाइन कर दिया तो भाई वो गलत है, अन्याय कर दिया आपके साथ। तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं भी आपको समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा कि पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसमें हम बात करेंगे। इसके बाद जिसका आपको बहुत अच्छे से इंतजार रहता है वो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता हो जाएगा तो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाना होगा एक सिंगल चार्ज की वजह से, आइसोलेटेड चार्ज की वजह से, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। जैसे वहां पे A=1/4πε0Q/r² आया था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। दोनों में फर्क होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। एक आपके पास सर्कुलर रिंग होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया गया है। लेक्चर नहीं देखे लेक्चर देख सकते हैं। और आज इस लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आपके पास एक सर्कुलर रिंग होगा और उस सर्कुलर रिंग के होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फार्मूला क्या होगा। और नेक्स्ट फिर आपसे हम बात करेंगे आईटीजी मेंस क्वेश्चन, बाद में क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आईटीजी मेंस में पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। तो ये था हमारे लेक्चर में क्या क्या चीजें होगी आज उसी के बारे में, ठीक है। तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको फिजिक्स से कुछ सीखना है, फिजिक्स से अपनी जिंदगी को रिलेट कराना है, लाइफ से जुड़ना है फिजिक्स के साथ, तो इस चैनल को विजिट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्या होगा, आपको फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल होता है, बिल्कुल रटने वाली फिजिक्स नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल फील के साथ मिलती, एक एक चीज फिजिक्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज का आंसर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड। और मैं हर बताता हूं आप लोगों को सबसे पहली बात कि इसको देखने के बाद फिर आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करिए, बिल्कुल अच्छे से कॉपी पे निकाल करके नोट्स बनाते रहिए जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द क्लास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले बातें जानिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक सिंगल पॉइंट पे या कह सकते हैं सिंगल चार्ज की वजह से नहीं हो सकता। अगेन अगेन बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं तो नहीं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको दो पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात ना? सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, होता किस पे है? दो पॉइंट होगा उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझिए पहले। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट का यहां पे बी। अंडरस्टैंड टू इट, कंसीडर टू पॉइंट ए एंड बी। आपको दो पॉइंट गिवन था, ए और बी गिवन था, ठीक है। आपके पास एक चार्ज है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। छोटू सा चार्ज है, गरीब है ये क्या होता है? गरीब। गरीब का मतलब पैसे से गरीब नहीं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा आवेश होता है इस पे और इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। इसका क्या होता है? इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है। इस बात को आप समझिए, जो टेस्ट चार्ज होता है आप समझ जाइए टेस्ट चार्ज होता है, उसका सिंबल क्यों नॉट होता है? गरीब होता है भाई ये तो, और इस पे थोड़ा सा चार्ज होता है प्लस, और इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसी वजह से क्या करते हैं, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जो असहाय हो, जिसका कोई वजूद ना हो, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। वैसे ही कहानी होती है टेस्ट चार्ज के साथ, वैसे ही कहानी किसके साथ होती है? टेस्ट चार्ज के साथ। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी बात, आराम से पढ़िए, पूरा का पूरा फील होगा आप लोग को। तो आप क्या करिए, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, आप इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी पे रखिए और इसको बी टू ए लेकर आइए। देखो आप लेकर आ रहे हैं एक्सटर्नल वर्क, क्या कर रहे हैं आप भाई? एक्सटर्नल वर्क, डब्ल्यू एक्सटर्नल आप लेकर आ रहे हैं चार्ज कहां पे? पॉइंट बी से पॉइंट ए पर। तो वो सपोज दैट कितना है? डबल एक्सटर्नल। आपने क्या किया, दो पॉइंट को कंफर्म कर दिया और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ले लिया। पॉइंट बी से कहां पे लेकर आ रहे हैं? ए पे। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका सिंबल होगा वी ए माइनस बी। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कैसे डिफाइन होगा? जितना आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क किसका होगा? जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, एक्स्ट्रा जो आप बाहर से काम करते हुए चार्ज को लेकर आ रहे हैं, चार्ज को लेकर आ रहे हैं, वही होता है एक्सटर्नल वर्क। फोर्स का वर्क कभी मत लीजिएगा। सो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी होगा वो डबल एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। मीन्स जितना वर्क करेंगे वो अपॉन क्यू नॉट, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू कैरी, देखो क्यू नॉट है ना और यहां पे डिवाइड लगा, इसका मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर डिवाइड नहीं लगता तो यूनिट चार्ज बोलते, बट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
is called what? Electric potential difference between those point. ओके, यानी कि चार्ज को आप बी से ए पर लेकर आए, कितना वर्क हुआ वो, कितना वर्क हुआ वो, और किस चार्ज को लेकर आए हैं वो, दोनों का रेशियो जो होता है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इतनी बात समझ में आया, क्लिक हुआ दिमाग में? अब देखो कैसे आप जानेंगे कि वीए माइनस वीबी होगा कि वीबी माइनस वीए, माइंड में कंफ्यूजन आता है कि सर कब वीए माइनस वीबी होगा कब वीबी माइनस वीए। तो देखो भाई आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल, आपने क्या किया बी से लेकर गया कहां पे पहुंचाया ए पे, तो ये क्या है फाइनल है और ये क्या है इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू। तो अगर इसका मैं डिफिनेशन राइट करना चाहूं, डिफिनेशन राइट करना चाहूं तो कैसे राइट करूंगा, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, अब इसका देखो भाई बात कर ले यूनिट की, किसकी बात कर ले हम, यूनिट की। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल है, इसका यूनिट क्या होता है जूल, और ये क्या चार्ज का क्या होगा कूलम, और इसी को बोलते हैं बोल्ट। क्लास टेंथ में पढ़े होगे अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा ने ही बताया था इसके बारे में। ओके हाँ, बोल्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा लो, वर्क है इसका क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू चार्ज का ए टी इज इक्वल टू वर्क इलेवन हियर एम ओके यम जेल टू टी वन टी माइनस टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया भाई, ये क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके इतनी बात समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप भूलिएगा मत, इसमें बहुत जरूरी बात है। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको छाप लिए, इरेज कर रहे हैं इसको हम, यस इरेज कर दे रहे हैं, किसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे इंपॉर्टेंट बात नोट्स में लगा लीजिएगा भाई, तो इसका इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, जो आपका टेस्ट चार्ज होगा, इसको आप धीरे 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 स्लोली स्लोली धीरे 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 से मूव करो, ऐसा नहीं कर सकते, गड़बड़ा जाएगा, मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा मत समझ जाइए कि इसका जो वेलोसिटी है वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, और जब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो क्या इसका एनर्जी चेंज होगा, बिकॉज के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जब वेलोसिटी सेम हो गया तो मास तो बदलने वाला है नहीं भाई, क्लियर है, मास तो बदलने वाला है नहीं, तो इसका एनर्जी भी क्या होगा सेम होगा, यानी कि चार्ज को आपको इस तरह से मूव कराना है, इस तरह से मूव कराना है कि एनर्जी ना बदले ना उसकी वेलोसिटी बदले, ठीक है। चार्ज टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज शुड मूव स्लोली 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 स्लोली, गाना सुने हो ना,
स्लोली 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 ऐसे मूव स्लोली मीन्स मीन्स वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन्स कॉन्स्टेंट शुड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये बात भैया बहुत जरूरी था, इसको लिखना चार्ल्स को धीरे धीरे, यानी कि अगर आप चार्ल्स को ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, अगर इसको यहां पे लेकर आना है धीरे 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 जिंदगी में आना, धीरे धीरे इसकी जिंदगी में आओ, तेजी से आओगे आपको फेंक देगा, कहेगा इतना जल्दी कैसे चला है, बच्चे किसी जिंदगी धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ, ठीक है ना। हाँ, चार्ल्स विल बी मूव स्लोली, बहुत धीरे धीरे लेकर आओ, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक तो इतना क्या बताऊं, इनफाइनाइट स्टेप ले लो, इनफाइनाइट स्टेप ले लो भैया, क्या ले लो, इनफाइनाइट स्टेप ले लो, ठीक है ना। हाँ, इनफाइनाइट स्टेप ले लो, क्लियर बात यहां पे, ठीक है ना। तो इसको भी रीच कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ये बात मैंने आपको बता दिया कि जो वर्क होगा, वर्क होगा वो कैसा वर्क होगा, कैसा वर्क होगा भाई, एक्सटर्नल वर्क होगा, फोर्स वाला वर्क मत लीजिएगा, एक्सटर्नल वर्क लीजिएगा। अभी कभी भी आप जिंदगी में किसको ले गए, बाहरी वाले को। अब बात आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आपने तो बहुत सुना है, ऐसा होता है ना, डिफिनेशन तो बहुत सुना होगा। फील्ड देखो ध्यान से और समझिए आज यहां पे कि पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कहोगे सर क्या बताएं, क्लास टेन में तो ऐसा बताया नहीं गया, भाई बताया जाएगा धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले होगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो बताया नहीं है, आप बात अलग है क्लास टेंथ में। अब कैसे बताया गया आई डोंट नो, बट आप यहां पर सीखिए समझिए, नो प्रॉब्लम क्रिएट। देखिए अभी आया था कि सर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, लेकिन कैसा डब्ल्यू है, एक्सटर्नल वाला, कैसा है बाबू मुन्ना, कैसा है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वर्क, कैसा वर्क, एक्सटर्नल। अब अगर आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट को, एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो कर दो। अगर आपको किसी एक पॉइंट पे ऊपर राइट कर लेते हैं, हाँ यही राइट करते हैं, देखो ये क्या है, दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस था। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप एक पॉइंट पे नहीं पाए हो, बात समझिए पूरी कहानी को, ये क्या है, दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, आप एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पाए हो भैया, अब आने वाला है। और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आएगा, मैं कह रहा हूं एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि वी भी क्या होता है, जीरो होता है, वी भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा इन्फाइनाइट होता है, इन्फाइनाइट पे जो पोटेंशियल होती है जीरो होती है, लर्न कर लो, इन्फाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है जीरो आता है, क्या बोला, इन्फाइनाइट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये बहुत अजूबसन है भाई, हकीकत है कि क्या है भाई, फिजिक्स ने मान लिया था कि इन्फाइनाइट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, आप भी मानो, मानो भाई आप भी मानो, ठीक है, इन्फाइनाइट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा,
वीबी कर्व क्या आ गया, जीरो। वीबी कर्व क्या आ गया, जीरो। तो अब यहां पे वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल है, लेकिन देखो ध्यान से कहां पे लेकर आए, इनफाइनाइट से ए पे लेकर आए, अपॉन कितना क्यों ना। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट आपका ए था अभी तक, इसके पहले में ए पॉइंट क्या था, बी था। अब ये आपका पॉइंट बी कहां पे हो गया, इनफाइनाइट पे, और आप टेस्ट चार्ज कहां से लेकर आ रहे हो, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो। टेस्ट चार्ज कहां पे लेकर आ रहे हो भैया, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो, कहां पे, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर किसको लेकर आ रहे हो, टेस्ट चार्ज को। तो अब मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो बोलोगे सर किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आओ, कहां पर, किसी पॉइंट पर, वो वर्क डन जो होगा और जिस चार्ज को लेकर आए हैं वो क्यू नॉट, दोनों का जो रेशियो होगा वही होता है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे बोलेंगे, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट एनी पॉइंट। अगेन रिपीट, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं यहां पर राइट कर दे रहा हूं, यहां पे द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो ये बात समझ में आया आपको, देखो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, जैसा कि यहां पे क्लियर हो रहा है। कैसे आया था, एजुप्शन है, एनसीईआरटी बुक जो होती है ना वो बता के रखती है कि टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो, यानी कि आप अनंत पे क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप जीरो ले लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करिए, अनंत पे आप कितना लेना है, आपको जीरो लेना है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं यूनिट की, वही यूनिट होगा जूल पर कूलम या फिर क्या बोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया था, यम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, क्लियर। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि आपके पास ये एक छोटू सा चार्ज है और इस छोटू के चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल यहां पे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, ओके। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे आएगा उसके बारे हम समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे आएगा देखते हैं, लगाइए डी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डरिएगा मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। डरिएगा मत भैया, डर के आगे क्या है,
जीत है। आपको पता ही है सब, डर के आगे जीत है ना? है भाई। देखो क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है, तो आप क्या करिए, एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लो यहां से आर डिस्टेंस पर, ये पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। अब आपको पॉइंट पी पे क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपके दिमाग में जाता होगा सर मैं इन्फाइनाइट से चार्ज को लेकर कहां पहुंच जाऊं, पी पे जितना काम होगा वर्क डन होगा एक्सटर्नल वर्क डन क्यू नॉट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो आपका वर्क आ जाएगा। कर सकते हो, बट अगर मैं इससे कोई अच्छा आइडिया निकाल दूं क्या उसमें कोई बुराई है, नहीं है ना? हाँ, तो ही अच्छा आइडिया लगाना है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप समझिए, ध्यान से करिए, 100% इजी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यक्ष डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहा हूं, ए यक्ष डिस्टेंस पर क्या ले रहा हूं, एक पॉइंट ए, और इस पर मैं रख रहा हूं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्योंकि इसी के साथ साथ जुल्म होगा, किसके साथ होगा, क्यू नॉट के साथ। तो अब इनके बीच फोर्स क्या लग रहा है, एफ इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट अपॉन एफ स्क्वायर। आप क्या करिए, चार्ज को देखो, इनके बीच फोर्स इधर लग रहा होगा, रिपल फोर्स ना, प्लस प्लस क्या होगा, रिपल होगा। और क्या करिए, इसको इधर लेकर आओ, आपको क्या करना था, चार्ज को थोड़ा सा रिप्लेस कर दो, कहां पे, पॉइंट बी पे, और कितना डिस्टेंस तक, ये इतना डीएक्स, यानी कि जो फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, वो चार्ज को ए से बी पे लेकर आ रहे हैं। तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, वर्क भी कैसा होगा, थोड़ा सा होगा। तो डीडब्ल्यू कल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा आज आपकी वैल्यू रख दो यहां पे, डीडब्ल्यू कल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, इतना आया। अब भाई इतना थोड़ा सा काम आ गया, लेकिन आपको क्या करना था, चार्ज को इन्फ्रंट से कहां पे लेकर आना है, पे पे, चार्ज को कहां लाना है, इन्फाइनाइट से पी पे। तो भाई आपको पूरा वर्क आ जाएगा ना, बोलो भाई आपका क्या है, पूरा वर्क ले लेना, इंटीग्रेशन किसका, इसका। तो यहां पर ऐड कर दो वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पे क्या हो गया, माइनस डीएक्स हो गया। ओके अब क्या करना है आपको, लिमिट लेना है आपको, क्योंकि देखो लिमिट इस प्रकार से लेंगे हम कि पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाए। जैसे कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फाइनाइट से, कहां से ला रहे हैं, इन्फाइनाइट से ला रहे हैं, कहां पे ला रहे हैं, पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस कितनी है आपकी, देखो सब का सब आ गया। ओके तो अब निगेटिव साइन को बाहर करो, कॉन्स्टेंट को बाहर करो, W कर दो, कॉन्स्टेंट को बाहर कर दो, फोर पे एप्सिलॉन जीरो माइनस कर दो, इन्फाइनाइट टू आर dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके तो क्या करना था, इतना नोट करिए, अब फिर देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, नोट डाउन इट, नोट डाउन इट, नोट डाउन इट। ये था, ये आर था, क्यों ना इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो कितना आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। आपको पता है मैथ्स के बच्चे अगर हैं तो पता होगा, माइनस आगे है वन अपान एक्स आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट से कहाँ पे आर पे हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे आगे बच्चा माइनस वन अपान आर माइनस प्लस वन अपान इनफाइनाइट, ये मैथमेटिक्स है। इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आ गया एक वर्ष के प्लस पे अपर लिमिट माइनस, फिर इसी के स्थान पर क्या हो गया लोअर लिमिट, तो मार्च मास क्या हो गया प्लस आ गया। तो डब्ल्यू कर्ड कितना हो गया बच्चा क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर फाइव फाइव जीरो। ये प्यारा सा वर्क आ गया। अब इसी प्यारे से वर्क को क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, जिस चार्ज को आप लेकर आए हो उससे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फील्ड वेकल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इक्वल टू, रख दो भाई यहां पे वन अपान आर क्यू नॉट खत्म करो, वेकल टू वन अपान हाँ ये तो आ गया। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया था बट वहां पे फर्क क्या था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, क्यू अपॉन क्या था आर स्क्वायर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या था स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी हम साइन पे बात नहीं करते थे, लेकिन यहां पे जो चार्ज होता है क्यू उसको हम लोग रखते हैं विथ साइन, चार्ज को कैसे रखते हैं साइन के साथ रखते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैसे आता है, विथ साइन आता है। तो ये सिंगल चार्ज की बात हो गई, वीकल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर वीकल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर। यहाँ पे क्या करना है, क्यू को साइन के साथ रखना है, ये भूलिएगा मत। प्लस चार्ज होगा प्लस साइन होगा, माइनस चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चार्ज शुड बी विथ साइन, चार्ज को क्या करना है साइन के साथ रखना है, ठीक है। पोटेंशियल में साइन का यूज होता है, तो आई थिंक समझ में आया होगा इतनी बात, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके पहले एक बात समझ लेते हैं, और इसके क्वेश्चन को समझने से पहले और कुछ बातें समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज का एक समूह हो गया आपके पास, ये देखो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स, और उसकी वजह से यहां पर निकालना है आपका पोटेंशियल। और ये चार्ज आर वन डिस्टेंस पे, ये आर टू डिस्टेंस पर है, और ये कैसे है R3 डिस्टेंस पर, ये R4 डिस्टेंस पर, ये क्या हो गया R5 पे हो गया, ये क्या हो गया R6। अगर आपको पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो जितने भी चार्ज हैं सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, ये भी क्रिएट कर रहा है, ये भी क्रिएट कर रहा है, ये भी क्रिएट कर रहा है, सबको ऐड कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, इसको ऐड करने का कोई भी लफड़ा नहीं है, आप सीधे ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं यहां पर ऐड कर देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
वहां पे पोटेंशियल कितना होगा वीओ, जितने भी चार्ज हैं सब क्वाड का, सबके द्वारा क्रिएट होगा, इसकी वजह से वी वन, इसकी वजह से वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर प्लस वी फाइव प्लस वी सिक्स। तो अब क्या हो जाएगा वी वन वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान आर होता है, क्यू अपान आर होता है, ये तो सब में रहेगा, इसको हम बाहर कर भी कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा क्यू वन अपान आर वन प्लस क्यू टू अपान आर टू क्यू थ्री अपान आर थ्री प्लस क्यू फोर अपान आर फोर क्यू फाइव अपान आर फाइव क्यू सिक्स अपान आर सिक्स। ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो गई कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना था, कुछ करना नहीं था, जो ग्रुप ऑफ चार्ज था, जो आपके पास ग्रुप ऑफ चार्ज आ जाता आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता। तो आई थिंक आपको समझ में ये बात आया होगा। तो अब हम क्यों ना इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लें, अगर क्वेश्चन देख लेते हैं तो कितना बढ़िया बात रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अरे वो बीच का सम्मान करिए आप लोग, बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा कि आपको एक स्क्वायर दिया है, आपको क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास क्या स्टूडेंट एक स्क्वायर गिवन है, और जो स्क्वायर है उसकी जो हर एक साइड है वो स्क्वायर रूट टू है। स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट, टू है, मैं हर एक की बात कर रहा हूं, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू। यहां पे 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पे 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, और फिर यहां पे जो चार्ज है वो माइनस 50 माइक्रोकूलम है, यहां पे कितना है माइनस 60 माइक्रोकूलम, और इसका जो डायगोनल है जहां पे कट करते हैं भाई, देखो बोर्ड में आया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है ये बताओ वीओ कितना होगा, तो वीओ बहुत आसान से निकाल सकता है ना हम, बस इतना पता होता है ये इतना कितना है, ये सपोज दैट ए बी सी डी। अच्छा एक बात तो आपको पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो अच्छा ये पूरा कितना होता है साइड रूट टू, कितना होता है ये साइड रूट टू, साइड कितना हो गया रूट टू, साइड रूट टू, साइड रूट टू, देखो साइड रूट टू ये पूरा था, आपको क्या निकालना था ओसी निकालना है, ओए निकालना है, तो टू से क्या करना पड़ेगा डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो कितना हो गया वन, यानी कि यह आपका हो गया वन मीटर, ये वन मीटर, वन मीटर, वन मीटर। तो अब आपके लिए आसान काम हो गया, पूछिए कैसे सर वीओ निकालना है, वी हो जाएगा वन अपान फोर पे एप्सिलॉन जीरो क्यू वन अपान आर वन प्लस क्यू टू अपान आर टू प्लस क्यू थ्री अपान आर थ्री प्लस क्यू फोर अपान आर फोर। तो क्यू वन कितना है 100 माइक्रोकूलम है सब में, तो माइक्रोकूलम मीन्स 10^-6, आर वन एक, क्यू टू ये माइनस है अपान वन, प्लस क्यू थ्री कितना है 20 × 10^-6 अपॉन वन प्लस ये -60 हो गया 10^-6 अपॉन वन।
ये इतना बात होगा। वी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस से सब में है उसको बाहर निकालो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस 6 क्या कर दो बाहर निकाल दो। अब मुन्ना यहां पे क्या बचेगा 100 माइनस 50, यहां पे क्या बचा प्लस 20 और माइनस कितना 60। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 100 प्लस 20 कितना होता है 120, 100 प्लस 20 कितना होता है 120, ये कितना होगा 110, करने पर कितना आएगा 10 ही आएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, तो 9.0 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट, ये रहा आंसर। किसी एक पॉइंट पे अगर आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो कैसे निकालते हैं उसका मैंने एक न्यूमेरिकल भी करके दिखा दिया, ठीक है, एक न्यूमेरिकल का डेमो आपने भी देखा। अब क्या करना है फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर रीड करते हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन रहा, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप लोग के बुक में होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं यहां पर राइट कर दे रहा हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला कि ऐसे दो चार्ज हैं 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, ये भी है और कितने पे अपार्ट है 15 सेंटीमीटर पे, क्वेश्चन ये था ये, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू द चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, यानी कि दो चार्ज हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। देखो मैं सपोज कर रहा हूं कि वो पॉइंट आपका यहां पे होगा इस जगह पे और ये यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा आर डिस्टेंस पर, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस आर, ओ सपोज कर लो, सोल्यूशन में बता रहा हूं। अच्छा वीओ कितना कह रहा है जीरो और वीओ पे कितना कितना पोटेंशियल होगा एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से, तो ये वी वन प्लस वी टू इक्वल टू जीरो आ गया, वी टू उधर लेकर जाओ तो वी वन इक्वल टू क्या हो गया माइनस वी टू, बात समझ में आ रही, तो वी वन इसकी वजह से निकालो, देखो क्या होता है 1/4/5 क्यू अपान आर 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपान आर, आर है इसकी वजह से माइनस, ये भी कितना 1/4/0 ये हो गया 1/4/0 ओके तो ये फिनिश हो गया, ये कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया, तो कितना आया 3/r = 2/50 - r, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए तो मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व करने पर कितना आएगा r = 9 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो पॉइंट होगा यहां से इधर वो तो कितने सेंटीमीटर पे होगा 9 सेंटीमीटर पे होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम फिर मिलेंगे, फिर क्वेश्चन पे ही मिलेंगे लेकर, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है मजा नहीं आता, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम फिर मिलेंगे, क्या लेकर मिलेंगे वो भी समझिए। एक रिंग होगा जिसपे चार्ज फैला रहेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कुछ आईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन। ओके सो थैंक यू।